दोस्तों आज मैं आपके लिए अनबॉक्सिंग लेके आया हूँ वीवो V31 की, जो कि चाइना में वीवो S90 नाम से लॉन्च हुआ है और इंडिया में जल्दी ये फ़ोन लॉन्च होने वाला है। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों बॉक्स को ओपन करते ही यहाँ पे सबसे ऊपर ही रखा है स्मार्टफोन, जिसे फ़िलहाल रख देते हैं साइड में, फिर देखते हैं कि बॉक्स में क्या क्या दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट केस भी दिया गया है फ़ोन की प्रोटेक्शन के लिए, जिसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। और उसके बाद ही रखी है एक टाइप सी चार्जिंग केबल, और फिर रखा है सिम इजेक्टर। और दोस्तों यहाँ पे 80 वोल्ट का पावर एडेप्टर दिया गया है, जो कि आपके फ़ोन को काफ़ी फास्ट चार्ज कर देगा। और सबसे लास्ट में यूज़र मैनुअल दी गई है, जिसे आप फ्री टाइम में चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं स्मार्टफोन की, निकालते हैं इसे प्लास्टिक से बाहर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं लुक वाइज ये फ़ोन काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहा है, और इस बार भी कंपनी ने कैमरा मॉड्यूल में चेंजेस किया है। हालांकि दोस्तों इस बार भी ड्यूल रियर कैमरा सेटअप ही दिया गया है, और पास में ही एक LED फ्लैश दी गई है। साथ ही दोस्तों इस फ़ोन का बैक पैनल हल्का सा कर्व शेप में दिया गया है। दोस्तों फ्रंट साइड की बात करें तो यार इस फ़ोन में 6.78 इंच की एक फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले का यूज़ किया गया है। इसकी रिफ्रेश रेट है 120Hz, और इसकी जो पीक ब्राइटनेस है वो है 4500 निट्स की। तो यार ब्राइटनेस काफ़ी कमाल की प्रोवाइड की गई है, और यहाँ पे 1.07 बिलियन कलर्स भी दिए गए हैं। और साथ ही दोस्तों इसमें P3 सिनेमेटिक वाइड कलर गैमट भी दिया गया है। और दोस्तों डिस्प्ले की प्रोटेक्शन के लिए इस पर डायमंड शील्ड का यूज़ किया गया है। और यार कंपनी ये भी क्लेम करती है कि ये फ़ोन ड्रॉप रेजिस्टेंट है, तो यार फ़ोन अगर गिर भी जाए तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी दोस्तों कैमरा सेटअप की बात की जाए तो यार इस फ़ोन में ड्यूल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जहाँ पे जो मेन कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का है। इसमें OIS का सपोर्ट भी दिया गया है, और इस सेंसर की जो साइज़ है वो है 1x1.56 इंच। और दोस्तों वीडियो रिकॉर्डिंग में OIS और EIS दोनों का सपोर्ट दिया गया है। और जो सेकेंड कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, और फ्रंट साइड में इस बार भी 50 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर लगा है। यानी कि सेल्फी तो ये फ़ोन बहुत ही कमाल की निकाल के देगा। और दोस्तों प्रोसेसर की बात की जाए तो यार इस फ़ोन में स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 चिपसेट का यूज़ किया गया है। ये चिपसेट 4 नैनोमीटर प्रोसेस पे बेस्ड है, और इसकी जो मैक्स क्लॉक स्पीड है वो है 2.63 GHz। और साथ ही गेमिंग को हैंडल करने के लिए इसमें एड्रिनो 720 GPU भी दिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों इसमें ब्लू हार्ट AI भी दिया गया है, जो कि काफ़ी जगह पर आपकी मदद करेगा। और दोस्तों बैटरी डिपार्टमेंट की बात की जाए तो यार इस बार कंपनी ने काफ़ी बड़ी बैटरी का यूज़ किया है इस फ़ोन में, जो कि 6000 mAh की है। और इसके साथ इसमें 80 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है, तो बैटरी बैकअप तो बहुत ही कमाल का मिलने वाला है। और दोस्तों फाइनल ये बात करते हैं इस फ़ोन के प्राइस की। तो यार इस फ़ोन का जो बेस वेरिएंट है 8GB रैम 256GB स्टोरेज, उसकी चाइना में प्राइस है 2499 युआन, यानी इसे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो वो निकल के आती है लगभग 28,999 रुपीज़। बट दोस्तों जहाँ तक मुझे लगता है ये फ़ोन इससे थोड़ी हाई प्राइस रेंज पे इंडिया में लॉन्च होगा। बाकी यार आपका क्या है ओपिनियन इस फ़ोन के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।